ये नया योगी का उत्तर प्रदेश, आप देखिए बागपत जिले में हथियारों के साथ प्रदर्शन और फिर फोटो वायरल करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां थाना बिनौली क्षेत्र में एक बार फिर कुछ युवकों को फोटो वायरल हुए हैं, लेकिन फोटो ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि फोटो में एक युवक जिसका नाम अमित बताया जा रहा है अपने हाथ में इंसेंस लेकर फोटो शूट कर रहा है। इंसेंस वह असला है जो सिर्फ अर्धसैनिक बल के पास होता है। ऐसे सवाल है कि युवक के पास इंसेंस कहां से आई। वहीं दूसरे फोटो में तरुण नाम का युवक जो अपनी कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर सेल्फी ले रहा है, जिसके बाद दोनों युवकों ने फोटो सोशल साइट पर अपलोड किया है, जिसके बाद वह वायरल हो गया है। वहीं जब इस बाबत SSP बागपत से बात की गई तो SSP के मुताबिक दोनों युवक थाना बिनौली क्षेत्र के ही हैं। एक में एक व्यक्ति इंसास, एक जो नवयुवक है वो इंसास के साथ खड़ा हुआ दिखाया जा रहा है, और दूसरे में एक पिस्टल के साथ। ये बिनौली थाने के अंतर्गत पता किया गया है, तो बिनौली थाने के अंतर्गत सिरसली गांव का है प्रकरण। इसमें जो एक व्यक्ति अमित पुत्र मुन्नर, उसके हाथ में इंसास है। बताया ये जा रहा है कि ये चुनाव के दौरान की वीडियो है जो इस समय कहीं से निकाल करके वायरल की जा रही है। उस समय जो सिक्योरिटी फोर्सेस में लोग आते हैं उसमें से किसी से लेकर के उसने ये फोटो खिंचवाई है, उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सच्चाई निकल के सामने आया। दूसरा जो व्यक्ति पिस्टल लिए हुए उसकी भी पहचान हो गई है, तरुण पुत्र चंद्रपाल है, सेम गांव का है, सिसली गांव का है, उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे वो मिल जाते हैं तो पूरा घटनाक्रम समझ में आएगा कि ये इनको ये असलहे कहां से मिले। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है वो यही है कि ये पुरानी वीडियो 2018 की वीडियो जिसको अब वायरल किया गया है।